Hello everyone, we are doing chapter 6 Molecular Basis of Inheritance. This is the fourth video of the chapter, class 12 Biology. The topics to be covered in this video are Human Genome Project and DNA Fingerprinting. Human Genome Project, HGP. What was this project? In this project, we wanted to sequence all the DNA present in the human genome. Complete DNA sequence of human genome. We wanted this, and it was a mega project. As we know that human genome has three multiplied by ten to the power nine base pair, and it was estimated. The cost was estimated. The cost of sequencing one base pair was estimated to be US dollar 3 and total cost estimated was 9 billion US dollars. And moreover, the data which was obtained, if we want to store them in a book, if a, each page of a book has 100 sorry 1000 letters and each, each book has got 1000 pages, we wanted 3300 books to store the data itna sara data collect karna tha it was started in 1990 and it was supposed to complete in 2003 13 years ka project tha but it was completed in 2006 project was coordinated by US department of energy and national institute of health and during early years Welcome Trust UK ka tha jo major partner bani or baki additional contribution mela from Japan, France, Germany and China se. What were the goals of Human Genome Project? First goal to identify all the estimated genes in human DNA. सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना रफली ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीन्स नंबर टू सीक्वेंसिंग ऑफ थ्री बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए। सारे केमिकल बेस पेयर को सीक्वेंस में लगाना था थर्ड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ डाटा फोर्थ वी वॉन्ट इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस ऑल्सो अगर हम डाटा का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें इम्प्रूव टूल्स चाहिए थे नेक्स्ट ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स जो इंफॉर्मेशन जो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिला वो हम दूसरे सेक्टर्स में भी पहुंचाना चाहते थे जैसे फार्मा है मेडिकल है या अदर फील्ड हैं उनमें ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाना एंड लास्टली एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू डेट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के दौरान जो कोई एथिकल इशूज थे लीगल इशूज थे सोशल इशूज थे उनको टैकल करना ई एल एस आई डीज वार दोल्स ऑफ एच जी पी ह्यूमन जीरोम प्रोजेक्ट वॉट वर द अप्रोचेस इट इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस दो अप्रोच से काम चला फर्स्ट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन एनि ओनली कोडिंग पार्ट को हम सिक्वेंस करेंगे नॉन कोडिंग पार्ट को नहीं करेंगे डीएनए का पार्ट जो कोड करता है मैसेंजर आर एन ए को सिर्फ उसको ही हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको ही सीक्वेंस करेंगे एंड देवर कॉल्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ई एस टीज और सेकेंड अप्रोच क्या था कि हम सारा जीनोम को सीक्वेंसिंग कर, करें चाहे वो नॉन कोडिंग हो चाहे वो कोडिंग हो सो दैट वाज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन व्हाट वाज द प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल द डीएनए हैज टू बी आइसोलेटेड जो डीएनए सीक्वेंस करना है उसको आइसोलेट किया गया सेपरेट कर लिया गया डायग्राम देखिए आप इधर साइड में जो डायग्राम है उसके ऊपर भी फोकस कीजिए और रिटर्न पार्ट पर भी फोकस कीजिए डीएनए हमारा सेपरेट हो गया है फ्रॉम अ पर्सन जिसको हमें आगे सीक्वेंसिंग करना है सेकेंड पॉइंट रैंडम फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं बाय यूज बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं सारे डीएनए के और इन फ्रेगमेंट्स की अब हमें कॉपीज बनानी है थर्ड स्टेप पर आ जाइए सारे फ्रेगमेंट्स जो बने हैं फाइव सिक्स सेगमेंट्स जो ऊपर थे उनकी कॉपीज बनानी थी और उसकी कॉपीज बनाने के लिए इन डीएनए के सेगमेंट्स को होस्ट सेल में पहुंचाना था और उसके लिए हमें क्या चाहिए था वेक्टर, यानी टैक्सी दो वेक्टर्स यूज यू किए गए बैक एंड बैक वॉज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और मैन का डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए होस्टेल में यैक का इस्तेमाल किया गया क्यों क्योंकि यैक जो था लार्जर साइज के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर सकता था इन द होस्टेल होस्ट सेल में जब ये डीएनए ट्रांसफर हो गया छोटा पीस ट्रांसफर हो गया उसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई इंक्रीज इन नंबर कॉपी कॉपी नंबर बन गया और इसके बाद इसको कंप्यूटर में डाल दिया गया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और फ्रेडरिक सेंगर मैथड से इनको हमने सीक्वेंसिंग किया थ्रू द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स दे इज वन मोर टर्मिनोलॉजी बायो इंफॉर्मेटिक्स वॉट डू मीन बाय दिस बायो इंफॉर्मेटिक्स मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी to the field of biology and medicine biology or medicine ke field may hum computers and information technology ka use karte hain, this is called as bioinformatics and this was used by the frederick sanger for sequencing the dna other important points about the human genome project were the sequence of chromosome number one वॉज कंप्लीटेड ओनली इन मे टू थाउजेंड सिक्स मे टू थाउजेंड सिक्स में क्रोमोजोम नंबर वन का सीक्वेंस कंप्लीट हुआ एंड दिस वॉज द लास्ट नंबर तो क्रोमोजोम का वन है बट सीक्वेंसिंग इसका सबसे आखिरी में हुआ ट्वेंटी सिक्स क्रोमोजोम ट्वेंटी टू ऑटोसोम एंड एक्स वाई में से क्या हुआ क्रोमोजोम नंबर वन का सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुआ सेकेंड पॉइंट क्या है डी सीक्वेंसिंग हैव ऑल्सो बिन डन इन बैक्टीरिया ईस्ट ड्रोसोफेला एंड प्लांट्स सेलियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम ह्यूमन जीनोम के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है वन ह्यूमन जीनोम कंटेंट्स थ्री वन सिक्स फोर पॉइंट सेवन मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस नंबर आपको याद रखने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ जीन्स आर अबाउट थर्टी थाउजेंड एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड बेस एवरेज जीन कोई भी एक जीन है उसमें एवरेज कितने बेसेस हो सकते हैं थ्री थाउजेंड बट साइज वेरी करता है ये और सबसे लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन कौन सा है डिस्ट्रॉफिन विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम और इसमें कितने बेसिस हैं टू पॉइंट फोर मिलियन बेसिस आर देयर इन दिस इन दिस ह्यूमन जीन डिस्ट्रॉफिन सबसे बड़ा जीन है ये पॉइंट नंबर फोर 99.9 परसेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम इन ऑल पीपल हर पर्सन में 99.9 परसेंट न्यूक्लियोटाइड सेम है बट ओनली 0.1 परसेंट डिफरेंस मेक्स एवरी इंडिविजुअल यूनिक जो 0.1 परसेंट रह गया ना उसी से ही वन इंडिविजुअल डिफर करता है सेकेंड इंडिविजुअल से पॉइंट नंबर फाइव फंक्शन ऑफ ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर अनोन अभी तक जितने भी जीन्स डिस्कवर हुए हैं उसमें से फिफ्टी परसेंट का हमें फंक्शन नहीं पता सिक्स पॉइंट क्रोमोजोम वन में सबसे ज्यादा जीन्स हैं टू नाइन सिक्स एट एंड क्रोमोजोम वाई में सबसे कम जीन है टू थर्टी वन पॉइंट नंबर सेवन लेस देन टू परसेंट ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है जो कोड करता है प्रोटीन्स को पॉइंट नंबर एट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस जीनोम का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें सीक्वेंसेस रिपीट होते हैं दीज आर स्ट्रेचेज ऑफ डी एन ए सीक्वेंस डेट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स नीचे डायग्राम में देखिए पर्सन वन पर्सन टू पर्सन थ्री जी ए टी ए सीक्वेंस बेस का ये एट टाइम्स रिपीट हो रहा है इन अ पर्सन वन इन पर्सन टू इट इज रिपीटिंग फॉर द नाइन टाइम्स एंड इन पर्सन थ्री टेन टाइम्स ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है सो वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस दे शेड लाइट ऑन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन पॉइंट नंबर नाइन अबाउट वन पॉइंट फोर मिलियन लोकेशंस वन पॉइंट फोर मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर सिंगल बेस्ड डीएनए डिफरेंस मिलता है ओनली सिंगल बेस का डिफरेंस है तो ये एक्सप्रेस क्यों नहीं करता कहीं क्यों नहीं दिखाई देता हमें क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट पर है जो डिफरेंस है दे आर कॉल्ड एज एस एन पीज सिंगल न्यूक्लियोटाइट पॉलीमोर्फिजम का मतलब डिफरेंस यू फाइंड सिंगल न्यूक्लियोटाइट पॉलीमोर्फिजम और स्निप्स दिस हेल्प्स टू फाइंड क्रोमोजोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेज एंड ट्रेसिंग Human history. So, next topic is now DNA fingerprinting. It is a technique to identify the similarities and differences of the DNA fragments of two individuals. Though individuals' ke DNA fragments may kya similarity hai, kya difference hai? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरीज इन नाइनटीन एट्टी फाइव वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए के दो पार्ट है एक कहलाता है बल्क डीएनए दूसरा कहलाता है सेटेलाइट डीएनए बल्क डीएनए इज अ कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बल्क डी एन ए है एंड इट इज सेम इन ऑल

कैरीज सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ये बता दिया है अभी आपको हमने कि नंबर ऑफ रिपीट्स हर पर्सन में अलग अलग है पर्सन वन पर्सन टू पर्सन थ्री तीनों में जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो अलग अलग हैं जी ए जो है एट टाइम्स रिपीट हो रहा है पर्सन वन में जी ए नाइन टाइम्स रिपीट हो रहा है पर्सन टू में एंड जी ए टाइम्स रिपीट हो रहा है इन पर्सन थ्री सो नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक from person to person. Step क्या होगा अब आगे Repetitive DNA can be separated from the bulk. Bulk से इसको separate करना है bulk DNA से separate करना है by density gradient centrifugation method से इसको separate किया जा सकता है You can see the bands. जो major peak है वो bulk DNA की है और बाकी जो smaller peaks हैं they are the satellite satellite DNA. Which have got the repetitive sequences. Repetitive sequences. Ke accordingly, now satellites are of two types: micro satellites and mini satellites. And on what basis they are classified? They are classified on the basis of composition of AT rich hai GC rich hai, length of the segment. एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स यहाँ ऊपर देखिए जो नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स हैं वो साइज ऑफ द ब्लॉक से बता सकते हो टू टू सिक्स बेस पेयर्स का रिपीट हो रहा है बार बार एट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ ट्वेंटी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं बट नंबर ऑफ बेसिस आर लेस टू टू सिक्स बेस पेयर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दीस टाइप ऑफ सेटेलाइट आर कॉल्ड एज माइक्रो सैटेलाइट और शॉर्ट टेंडम रिपीट्स और एस टी आर नीचे आ जाइए दे आर द मिनी सेटेलाइट यहां पर जो बेस पेयर्स का जो रिपीटेशन हो रहा है वो टेन टू सिक्सटी बेस पेयर्स रिपीट हो रहे हैं यहां पर फोर टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ये और इसका ब्लॉक का साइज देखिए बढ़ गया है इट मीन नंबर ऑफ बेसिस आर मोर दे आर कॉल्ड एज मिनी सेटेलाइट और वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इसमें इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोजोम हर क्रोमोजोम में कॉपी नंबर अलग अलग होगा और इवन टू एलील्स हैं अगर पेटर्नल और मेटरनल अगर हमारे पास कोई भी क्रोमो ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैं तो हम वन पेयर वन सेट ऑफ पेयर हमको मदर से मिला है वन सेट ऑफ पेयर फ्रॉम द फादर से मिला है तो वन इज मेटरनल अदर इज पेटर्नल तो कॉपी नंबर जो है पेटर्नल और मदर मेटर्नल क्रोमोजोम में भी अलग अलग होगा टू एलील्स टू एलील्स हैं एक ही क्रोमोसोम के ओके तो वी एन टी आर आर डिफरेंट इन एलील्स आल्सो. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वाल्व इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? नाउ कम टू द स्टेप्स सिक्स स्टेप्स में कंप्लीट होता है ये डीएनए फिंगर आइसोलेशन डाइजेशन इलेक्ट्रोफ्राइसिस सदन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑटो रेडियोग्राफी फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए डीएनए को आइसोलेट कर लीजिए जो भी आपको डीएनए का पार्ट या कोई ब्लड सैंपल मिला है सीमेंट मिला है सेलाइवा मिला है हेयर रूट्स मिली हैं बोन मिला है कुछ भी मटेरियल मिला है उसमें से सबसे पहला काम है हमारा डीएनए को आइसोलेट कर लीजिए सेपरेट कर लीजिए सो हेयर इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए सैंपल सेकेंड स्टेप डाइजेशन ऑफ डीएनए डीएनए को ब्रेक करना है बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस इसको ब्रेक कर लीजिए फ्रेगमेंट्स बना लीजिए डीएनए के दीज बी सेपरेटेड और इन का सेपरेशन किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिसमें एग्रोस जेल का यूज किया जा रहा है एग्रोस जेल को डीएनए के फ्रेगमेंट्स को छोड़ दिया जाता है और वो अलग segment, अलग सेगमेंट अलग अलग प्लेस पर जाकर स्टॉप हो जाता है शॉर्ट मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर तक चले जाते हैं लॉन्गर मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास तक ही रहते हैं कैथोड के पास ही रहते हैं ओके एंड वन मोर थिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ट्रीट द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद एल्कली सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों करेंगे ट्रीट डीएनए फ्रेगमेंट्स को एल्कली सॉल्यूशन से ताकि डीएनए का जो डबल है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसके बीच की बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए वेरी इंपॉर्टेंट तो यानी जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है डीएनए का फ्रेगमेंट्स का वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हैं सारे फोर्थ एग्रोजेल में हमने ट्रांसफर कर लिया है हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को सेटल कर लिया है लेकिन एग्रोजेल जो है वो अनस्टेबल है इसलिए इन सेगमेंट्स को हम एक और पेपर पर सिंथेटिक मैंब्रेन के ऊपर ले लेते हैं द सिंथेटिक मेम्ब्रेन इज नाइट्रोसेलुलस और नायलॉन जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर को अगर इंक के ऊपर रख दो तो इंक ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाती है ऐसे ही नाइट्रोसेलुलस पेपर को नाइट्रोसेलुलस मैंम्ब्रेन को जब हम रख देते हैं एग्रोज जेल के ऊपर तो डीएनए की जो प्रिंटिंग है वो नाइट्रोसेलुलस पर आ जाएगी दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग सदन ब्लॉटिंग टेक्निक है ये आफ्टर ब्लॉटिंग व टू डू द हाइब्रिडाइजेशन सिंगल स्टैंडर्ड डीएन ए हमने अलग अलग कर लिए हैं अब हम वी एन प्रोब्स में इनको डाल देंगे इस फिल्टर पेपर को हम प्लेस कर देंगे इन सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब्स प्रोब मतलब जिसका हमको सीक्वेंस बेसिस का पता है वो वी एन अब जब ये प्रोब्स दूसरे वाले डीएनए के स्ट्रैंड से मिलेंगे और जहां भी उनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा वहां पर वो हाइब्रिड बना देंगे सो वी एन हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज टू डीएनए फ्रेगमेंट अब डीएनए फ्रेगमेंस हमारे पूरे तैयार हो गए हैं ऑन द नाइट नाइट्रोसेल पेपर इनको अब हमें देखना है डिटेक्ट करना है तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए इज डन बाय ऑटो रेडियोग्राफी एंड दिस इज डन बाय एक्सरेज are आर to टू सी hybrid डीएनए तो अब हमारे पास बैंड्स तैयार हो गए हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार हो गई है इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम यहाँ देखिए एक यूज दिखाया गया है एक चाइल्ड है जिसके फादर का नहीं पता है हु इज द फादर थ्री पर्सन हैं वन टू थ्री सबके मदर की चाइल्ड की और तीनों पर्सन की हमने डीएनए फिंगर कर लिया और नाउ विल ट्राई टू मैच द फिंगर प्रिंटिंग ऑफ थ्री पर्सन विद अ चाइल्ड और आप देखोगे जो नंबर वन है उसका फिंग डी एन चाइल्ड के डीएनए फिंग, फिंगरप्रिंटिंग से मैच कर रहा है एक ही जगह पर प्लेस हो रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स सो फादर विल बी नंबर वन पर्सन ओके सो दिस इज यूज्ड टू सॉल्व द पेटर्निटी बाय डी एन एक और यूज है सॉल्विंग अ क्राइम विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें क्राइम सीन से कुछ मटेरियल मिला और उसके हमने डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कर लिया सी और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं दो पर्सन को इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी लेट अस सी वन बाय वन इंडिविजुअल ए हमने इंडिविजुअल ए के तीन क्रोमोजोम्स को स्टडी किया क्रोमोजोम सेवन क्रोमोजोम टू एंड क्रोमोजोम सिक्सटीन और इनके टेंडम रिपीट्स देखें क्रोमोजोम सेवन में जो पैटर्नल क्रोमोजोम था पार्ट पैटर्नल पार्ट था जो क्रोमोजोम का उसमें थ्री टेंडम रिपीट्स मिले और मैटर्नल क्रोमोजोम में हमें फोर टेंडम रिपीट्स मिले क्रोमोजोम नंबर टू में एट एंड सेवन टेंडम रिपीट्स मिले पैटर्नल एंड मेटरनल में एंड क्रोमोजोम 16 में 5 एंड 10 टेंडम रिपीट्स मिले इन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोजोम अब बी को चेक करिए बी में हमें क्रोमोजोम 7 पर 11 एंड 9 टेंडम रिपीट्स मिले क्रोमोजोम 2 पर 8 एंड 7 टेंडम रिपीट्स मिले एंड क्रोमोजोम 16 पर 5 एंड 2 टेंडम रिपीट्स मिले अब हमें यह देखना है कि ए और बी में से किसका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो हमें क्राइम ब्रांच से मिला था सी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किससे मिलता है मैच इट सी से जो सी uh, जो क्राइम सीन से जो हमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मिला उसमें क्रोमोजुम नंबर सेवन में हमें इलेवन और नाइन टेंडम रिपीट्स हैं क्रोमोजोम टू में एट एंड सेवन टेंडम रिपीट्स हैं और क्रोमोजोम सिक्सटीन में फाइव एंड टू टेंडम रिपीट्स हैं यानी ये किससे मिल रहा है बी से ओके okay? तो क्रिमिनल कौन हो गया बी So, DNA fingerprinting is used to find the person who has done the crime. So, that is all for today. Do the question given in the MCQs. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel so that you can get the information about my next.